भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हुई, नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में चार उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं, प्रत्याशियों के चयन को भी मामला शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने पृथ्वीपुर से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी कश्मकश में है और स्थानीय प्रत्याशी को मुद्दा पृथ्वीपुर में भी हावी हो रहा है। और चार दावेदार आइटम हमारे संग इकट्ठे मिल गए भाजपा के कार्यालय में, तो हमने सोची सबसे एक एक करके बात कर लें। सबसे पहले अनिल पांडे जी हैं, भाई साहब का है तैयारी, स्थानीय को मुद्दा है कि भाजपा को मुद्दा है? हमारा मुद्दा भैया राम राम मुंदली बुछार हूँ, हमारा मुद्दा ये है कि पृथ्वीपुर विधानसभा में बाहरी प्रत्याशी हमेशा हारे हैं, इसे भज्जा का स्थानीय प्रत्याशी मिल जाए तो कांग्रेस पार्टी को हमेशा के लिए शांत हो जाए, मेन मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के हम सिपाही हैं 40 साल से, किसी को भी टिकट मिले उसके साथ हम तन मन से पार्टी को काम करें और सेवा करें, जो पार्टी को जिताएंगे और लाठों को निपटाएंगे, ये हमारा वादा है। शर्मा जी बीमा संघ हैं, भाई साहब आप भी लंबे समय से इलाके में प्रतिनिधित्व करत रहे अपनी जो है नगर परिषद की सीट से, अब का तैयारी हो, कैसी दावेदारी? सचिन भाई पहले तो हमारा आपको राम राम। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी में ये नियम है कि कार्यकर्ता को ही टिकट दिया जाता है, वंशवाद को कभी टिकट नहीं दिया जाता है, हमारे यहाँ ये नियम है। अब हमारा प्रदेश का नेतृत्व बहुत सूझबूझ से काम करते हैं और प्रदेश का नेतृत्व जो यहाँ से फाइनल कर देगी, हम लोग तन मन से उनका काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे। उसका कारण बताएं आपको जीतने का कि भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने सरकार में ऐसी अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी में आदमी वोट करेगा और भारतीय जनता पार्टी को जिसको भी टिकट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी का, उसको ऐतिहासिक जीत होगी, ये बिल्कुल सत्य है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। रावत जी वहाँ संगे, भाई साहब जी तरीके की परिस्थिति बन रही है, कहूँ बाहरी को मुद्दा, स्थानीय मुद्दा, अभी तक प्रत्याशी फाइनल नहीं हो पाओ, 25 साल से एक बीच में एक ही बार सीट जो है सुनील नायक जी जीते उप बृजन सिंह राठौर के खिलाफ, बाकी पूरे के पूरे जितने समीकरण हैं, इतनी देर लग रही पार्टी को, ऐसे कैसे काम चले? ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी वहाँ बहुत मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा वो प्रत्याशी को उतारेगा, उसकी जीत सुनिश्चित करने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। राम जी नायक हमारे संग, राम जी भैया जी तरीके को घटनाक्रम हो रहा है, आपकी माताजी 2013 में चुनाव जीती, उनके बाद 18 में टिकट काट दोगा और भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में एक ही जगह थी जिते जमानत जब्त भई थी पृथ्वीपुर में, तो अब जो परिस्थिति बन रही फिर से वैसी परिस्थिति नहीं बन रही कि जैसा मतलब प्रत्याशी चयन नहीं हो पा रहा कछु दिन बची है? पिछली बार जब 2013 में मम्मी जीती थी तो जब माहौल अलग था और चूँकि मेरे परिवार का, पिताजी का, मम्मी का विधानसभा के लोगों से गहरा लगाव रहा है और हम 25 साल से विधानसभा के लोगों से जुड़े हैं, उनके सुख दुख में हर चीज़ में उनके शामिल होते हैं, और विकास की बात करी जाए तो हमारी विधानसभा में आज तक कौन उन्हें इतना विकास नहीं करवा हो तो जितनों पिछले पिताजी के कार्यकाल में, उसके बाद मम्मी के में। आप मम्मी के कार्यकाल की तो बात करो तो लगभग 45 से 50 स्कूल, उनकी बिल्डिंग 1-1 करोड़ रुपया की, 100 करोड़ की एक रोड, 45 करोड़ की एक रोड है। उसके बाद आप बात करो तो कॉलेज की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कॉलेज की घोषणा करी थी, वो कॉलेज भी चालू हो गया, पृथ्वीपुर में कॉलेज की बिल्डिंग बनवाई, बहुत विकास करो। उसके बाद पार्टी को लगो कि भाई प्रत्याशी बदलना चाहिए, लेकिन हाँ पार्टी ने प्रत्याशी बदल के गलती तो करी थी, क्योंकि जनता की मांग जो हती मम्मी के प्रति, आज भी क्षेत्र की जनता में लगाव है, प्यार का जनता चाहत है उन्हें, और उनको सीधो सरल जो स्वभाव है वो जनता को पसंद आ, चूँकि जो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि आए उनसे तो मिलवे ही के लाने जनता को बड़ो समय लगत तो मिल ही नहीं पाती, कई साहब हैं ही नहीं या समस्याएं रहती। इस बार पार्टी को एक अच्छा मौका है कि हम उनका जो 25 साल का किला है उसको ढहा सकती है, अगर उस किला को ढहाने तो हर पार्टी के कार्यकर्ता की भावनाओं के हिसाब से टिकट मिलना चाहिए, ये सब कार्यकर्ताओं की मांग है। बाकी चूंकि मेरे पिता
की जब हत्या हुई और उसके बाद पिताजी भारतीय जनता पार्टी के झंडा में उनने अपनी आखिरी यात्रा पूरी करी थी, तो हम लोग तो पार्टी से बंधे हैं, पार्टी के विरोध में जावे को तो हम उन्होंने कभी सोचो ही नहीं गया और ना सोच सकत भूतो ना भवस्ते। तो जो पार्टी हुई है उनको पार्टी जो निर्णय ले उनको आदेश को पालन तो हमें करना ही है, लेकिन कार्यकर्ताओं की मांग के अनुसार और जनता की मांग के अनुसार अगर टिकट वितरण सही से हो तो निश्चित तौर पर 20 से 25 हज़ार में से जीत भाजपा की हुई है। तो कुल मिलाकर पृथ्वीपुर विधानसभा के लाने स्थानीय प्रत्याशी की भी मांग है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावना के हिसाब से टिकट दी जाए जब बड़ी मांग है। अब देखने जो है कि पार्टी की को टिकट दे और इसके बाद पिछले चुनाव के मुकाबले ई चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पृथ्वीपुर में कैसो प्रदर्शन करत। सचिन चौधरी, बुंदेली, बौछार के लाने। एक सुनहरा भविष्य आपकी राह देख रहा है। एकलव्य यूनिवर्सिटी में चुनिए अपने मनपसंद करियर कोर्स जैसे इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, नर्सिंग, फॉरेंसिक साइंस, जर्नलिज्म, पीएचडी आदि में प्रवेश लें और अपने सपनों को नए पंख दें। एकलव्य यूनिवर्सिटी, सागर रोड, बुंदेली, बौछार की शानदार खबरें और देसी मनोरंजन देखने के लाने सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। संगई फॉलो करें बुंदेली बौछार के फेसबुक पेज को।